एक छोटे से जंगल में टूनी चिड़िया की शादी कालू कौवे के साथ हो रही होती है, लेकिन बेचारे टूनी चिड़िया के परिवार को पता नहीं था कि टूनी चिड़िया की शादी जिस काली कौवे से हो रही है वो कालू कौवा कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि वो तो आवारगिरी करता है। लेकिन टूनी चिड़िया के परिवार को ये बात ना पता होने के कारण टूनी चिड़िया की शादी उस कालू कौवे से हो जाती है। कालू कौवा टूनी चिड़िया को लेकर अपने घर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन कालू कौवे से मिलने के लिए कालू कौवे की बहन काली कौवी आती है और कालू कौवे से कहती है, अरे भैया कालू कौवा, आपकी शादी बहुत ही मुश्किल से हुई है और मुझे पता है आपको कुछ भी काम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आपने कुछ भी काम नहीं किया तो टूनी आपको छोड़ के चली जाएगी, जिस वजह से आपकी शादी टूट जाएगी भैया। तभी कालू कौवा काली बहन से कहता है, काव काव, अब तुम ही बताओ काली बहन, मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और मैं नहीं चाहता कि ये शादी हमारी टूट जाए और पूरे जंगल में मेरी बदनामी हो। तभी कालू कौवे की बहन कालू कौवे से कहती है, कालू भैया आप एक काम कीजिए, जब तक टूनी चिड़िया और आपके बच्चे नहीं होते तब तक आप काम करिए, जिस वजह से टूनी चिड़िया को पता ना चले कि आप काम करना नहीं चाहते, और धीरे धीरे जैसे आपके बच्चे हो वैसे ही आप काम करना छोड़ देना, ताकि टूनी चिड़िया आपको छोड़ के ना जा सके, समझे भैया। और ऐसे ही कालू कौवे को ये बात बहुत ही अच्छी लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे टूनी चिड़िया का एक बच्चा होता है, लेकिन धीरे धीरे कालू कौवा भी अपना काम धीरे धीरे कम कर रहा होता है। लेकिन जब टूनी चिड़िया का दूसरा बच्चा होता है तब कालू कौवा कुछ भी काम नहीं करता, बल्कि वो काम करना छोड़ देता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने एक बच्चे के साथ कालू कौवे से कहती है, अरे जी आप काम करने के लिए क्यों नहीं गए? हमारे बच्चे कब से भूखे बैठे हैं, आप काम करने के लिए नहीं जाएंगे तो हमें खाना पीना कैसा मिलेगा, जल्दी से काम करने के लिए जाइए आप। तभी कालू कौवा कहता है, काव काव, मैं काम करने के लिए नहीं जाऊंगा, समझी? मैं तो यहाँ से वहाँ घूमने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों के साथ, समझी? अब जो भी काम करना है तुम्हें करना है, मैं नहीं करूँगा, मैं तो ये चला, काव काव। और ऐसे ही कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और बेचारी टूनी चिड़िया को दोनों बच्चों की जिम्मेदारी कंधे पर आ जाती है, जिस वजह से बेचारी टूनी चिड़िया नींबू बेचने के लिए चली जाती है। ऐसे ही एक दिन टूनी चिड़िया के पास चील आता है और कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, जल्दी से मुझे पैसे दो, मुझे पैसे चाहिए। तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे चील जी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कब आपके पास पैसे लेने के लिए आई, बताइए आप मुझे। तभी चील कहता है, अरे तू नहीं आई, लेकिन तेरा पति मेरे साथ जुआ खेल रहा था और वो जुए में बहुत सारे पैसे हार गया है और मुझसे कह रहा था, मेरे पास तो नहीं है, मेरी पत्नी से ले लेना, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, जल्दी से मुझे पैसे दे दो, समझी? तभी टूनी चिड़िया कहती है, अरे चील जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास आपके पैसे नहीं हैं, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका ख्याल भी मुझे रखना पड़ता है, कालू कौवे जी तो कुछ भी नहीं करते, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी। तभी चील गुस्से में कहता है, नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुम दोनों को, समझी? तभी टूनी के पास टूनी का दोस्त तोता राम आता है। तोता राम चील से कहता है, अरे ओ चील, तुम्हारे जितने भी पैसे हैं वो मेरे पास से ले जाना, बेचारी टूनी और टूनी के बच्चों को परेशान मत करो, समझे? अब चले जाओ यहाँ से। और ऐसे ही चील चला जाता है। तभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त तोता राम से कहती है,
अरे तोताराम, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम ना आते तो ये जालिम चील तो मुझे और मेरे दो बच्चों को मार देता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी तोताराम कहता है, अरे कोई बात नहीं टूनी, ये तो मेरा फर्ज था, तुम मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त हो, अब चलो मेरे पास, तुम तीनों के तीनों मेरे साथ रहना, ठीक है। और ऐसे ही वो चारों के चारों बहुत ही खुशी खुशी से रहने लगते हैं।